और देखिए चलते चलते यहाँ पर हम रुक गए हैं, तो सतलुज क्लब है लुधियाना का। अंग्रेजों के वक्त अंग्रेज जब शाम को थक हार जाते थे तो इस क्लब में आते थे, ऑफिसर क्लब बोलते हैं इसको। तो हमारे जो लुधियाना की मैडम हैं, जितनी भी यहाँ बैठी हैं, प्रोफेसर हैं ये, तो ये भी क्लब की मेंबर हैं, आज से नहीं 20-25-30 साल हो गए। मैडम जी आपका क्या नाम है? शशि बिंदल। तो आप कौन से कॉलेज से थे? SDP कॉलेज फॉर वुमेन लुधियाना। मैडम आप? मैं भी सेम कॉलेज SDP कॉलेज फॉर वुमेन लुधियाना से, आई रिटायर्ड एज हेड इंग्लिश डिपार्टमेंट। माई सेल्फ डॉक्टर वीना ज्ञान सिंह एंड आई रिटायर्ड फ्रॉम SDP कॉलेज एज प्रिंसिपल। यस, आई एम ऑल्सो फ्रॉम SDP कॉलेज, आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डॉक्टर प्रकाश वर्मा, आई ऑल्सो रिटायर्ड एज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ। कितने साल हो गए रिटायरमेंट? 6-7 साल हुई है। अच्छा, आपको मैडम? मेरे को भी सेम, 6 साल हो गए। मेरे को 17 ईयर्स, आई रिटायर्ड इन 2007। अच्छा, उस वक्त और इस वक्त में क्या अंतर देख रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा। एजुकेशन में और लाइफ स्टाइल में? एजुकेशन में, लाइफ स्टाइल में, इन एवरी स्फीयर लॉट ऑफ चेंज। तो ये चेंज हमारे जो आने वाले फ्यूचर में बच्चों के लिए अच्छी हैं या बुरी हैं? कुछ हद तक अच्छी भी कह सकते हैं और कुछ हद तक ज़्यादा वो भी जा रही है। अच्छा, डिटेरियोरेशन। मैं जब पूछूंगा, जो महिलाएं होती थी घर में, पहले खुद काम करती थी सभी, रोज किचन से लेके कपड़े धोना है वगैरह, आजकल सब सर्वेंट है। तो पार्क में जाती हैं, वहाँ उनके पास एक्सरसाइज नहीं होती, घोड़े डूबने लगते हैं। तो आप तो चलो इस लैंड में थे, एजुकेशन लैंड में थे, आप तो चलो काम कम करती होंगे। नहीं नहीं नहीं, तब हम ज़्यादा काम करते थे। अच्छा, हाँ जी। तो आप भी जी? हमारे टाइम पे तो डबल वर्क होता था, डबल काम करना पड़ता था आपको। हम लोग हाउस वाइफ भी थे और प्रोफेशनल भी जाते थे। डबल क्या, हम तो ट्रिपल काम करते थे, बच्चों को घर में टीच भी करते, उनकी टेक केयर, इन लॉज की टेक केयर भी करते थे, कॉलेज भी जाते थे, और बाकी सोशल लाइफ जितनी हमारी एक्टिव होती थी वो भी हमारी सिर्फ होती थी, क्योंकि हम लोगों ने मल्टी मतलब के काम किए। तो आजकल अच्छा जो मेन चेंज जो है लाइफ में, फिजिकल एक्सरसाइजेज जो है ना, वो बहुत कम हो गई है। स्क्रीन पीरियड ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लोग देखते हैं, डिजिटल हो गया एज, तो उससे चेंजेस तो आई हैं, बट फॉर बेटर भी है। अच्छा, मैं एक और सवाल करूँगा पहले। हाँ जी, मैं पहले करता हूँ एक सवाल। जो पहले होते थे ना मेरिट आते थे बच्चों को 70%, आपके समय में 75%, आजकल तो 96-97-98 एक मिनट मैं ये बताती हूँ। नो डाउट 98-97% आते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए ना, उनकी वो नॉलेज नहीं है जो हमारे टाइम में थे। उसका रीज़न ये है कि हमारा मैनुअल वर्क होता था। मैनुअल वर्क में ना, आप जब काम करते थे तो आपके दिमाग में जाता था, हमने ये काम किया ऐसे है, कोई भी काम दिमाग में जाता था। अब क्या है, उन्हें उन्होंने ना पूरा कंप्यूटर खोल के देख लेना भी कहाँ पे। रेडियो सुनते थे, गाना सुनते थे तो विजुलाइज करते थे कि ये गाना किस तरह कहाँ फिल्माया गया होगा, कौन गा रहा होगा, कैसे होगा। आज तो टीवी में सब कुछ सामने आ जाता है, तो आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस ही कोई नहीं है, आपका आपके ऑब्जर्वेशन, आपकी विजुलाइजेशन खत्म हो गई है सारी की सारी। ये इससे ये हो गया कि लोग विजुलाइज नहीं करते, इमेजिन नहीं करते। पहले टाइम में था कि अगर हम कुछ सुनते थे, सिर्फ ऑडियो जब अवेलेबल था तो विजुलाइज करते थे, इमेजिन भी करते थे चीज़ें। आजकल कुछ लोग करते हैं पर सभी नहीं करते। अच्छा, मैं एक बात बता, आप देखो विद्वान है, एक विद्वान होते हैं, एक विद्वान होते हैं, एक ज्ञान होता है। विद्वान तो होते हैं, आपने किताबें पढ़ी, बच्चों को पढ़ा दी, जितने ग्रंथ पढ़े सब कुछ बता रहे, आप विद्वान है। ज्ञान होता है गीता ज्ञान जो हो गया है, जो कहते हैं काम क्रोध लोग, वो बच्चे सब कुछ नहीं चल रहा हमारे स्कूलों में। नहीं, कुछ आज अब चेंजेस कुछ आ रही है। अभी भी आपको पता, हमन भी होता है, मंत्रोच्चारण भी होता है, वहाँ बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है। इवन सिख इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पर ये पाठ वगैरह जो है जब भी साहब ये थोड़ा बहुत करवाते हैं, इन्होंने रिलीजियस टच दे रखा है थोड़ा सा, ताकि बच्चों को कुछ, हम कहते हैं माँ बाप की सेवा, भाई बहनों से प्यार, ये जो होता है समाज में, जो रियल लाइफ में जो वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज जो है ये बच्चों को सिखानी चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में यही काम आने वाली होती है। मैं ये कहूँगी कि सोशल लाइफ में बच्चों को जो हम हार्ड वर्क, ईमानदारी और ये सब सिखाते थे, गुड हैंडराइटिंग और अच्छा लिखना पढ़ना, और वो नहीं है। आजकल के बच्चे सिर्फ आना जाना, अपने आप को सोसाइटी के मुताबिक रखना, बस यही चाहते हैं। मैं ये कहूँगी, देखो आजकल बच्चे जो है ना, वो अपनी लाइफ खुद लीड करना चाहते हैं। दे डोंट वांट कि उनके पेरेंट्स उनको इंस्ट्रक्ट करें, इंटरफेयर करें या उनको गाइड करें। उनको लगता है कि ये दे कैन हैंडल देयर ओन लाइफ। और
और कुछ हद तक हमें भी लगता है कि बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन जो उनकी सोशल लाइफ है ना वो ऑलमोस्ट कट ऑफ हो चुकी है, वो हमारे साथ नहीं आना चाहते। पेरेंट्स को आजकल वो एटीएम मानते हैं, एटीएम मानते हैं पेरेंट्स को, चाहे जो मर्जी है जिनके पास, मतलब वो ये है कि पापा मैंने ये चीज़ लेनी है एटीएम, मतलब पापा एटीएम है। अच्छा आप देखो बच्चे ना, एक या दो बच्चे थे, कोई न्यूडा चला गया, कोई कनेडा चला गया, सब अलग अलग बच्चे, आप भी देखो फैमिली है जो आपकी भी। हाँ जी हाँ, हमारे भी बच्चे हैं। हाँ तो आप सभी के बाहर होंगे, तीनों के तो बाहर होके चले गए, कैसे महसूस करते हो अकेलापन जिंदगी? तो देखो बच्चों के लिए तो कई बार, देखो हमारे माँ बाप ने अपनी जिंदगी हमारे लिए खत्म की, आपके लिए आपके माँ बाप ने, आपने अपने बच्चों के लिए, ऐसे करते रहेंगे हम लोग? मेरी बात सुनिए, जिंदगी में एक ही बात पर बल देना चाहिए, वो है हर व्यक्ति इंडिविजुअल अपने बुढ़ापे को कैसे सिक्योर करता है। अगर वो बुढ़ापे को सिक्योर कर लेता है, बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होता, अपनी ज़िंदगी खुद जीना सीख लेता है, तो उसे बुढ़ापे में भी अकेलापन या कुछ माया ममता जो होते छोड़ती नहीं ना, मेरा बच्चा यार ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको जब शुरू में ही आप डिसाइड कर लेते हो कि बच्चे ने तो कहीं ना कहीं जाना है, जॉब तो करनी है, कहीं तो जाएगा, और आजकल का सेटअप ऐसा है कि बच्चों को जाना ही पड़ता है। दूसरी बात ये है कि हम लोग अपने बच्चों को जो देश के लिए चाहिए वो नहीं हम दे पाते, जैसे स्वच्छता, वो तो बच्चों को पता ही नहीं है कैसे, इसके लगने चाहिए कैंप्स, लगने चाहिए बार बार ताकि उनके दिमाग में, या जो कूड़ा करकट फेंकता है उसको इमीडिएट, यहाँ तो हमारे गाड़ी नहीं चलानी आती, पार्किंग नहीं करनी आती, रैश ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है। नहीं उनका ये है ना, हमारी पुलिस भी तो ऐसी है ना, पुलिस देख रही है और दे नेवर बॉदर, दे नेवर बॉदर, कोई बॉदर ना पब्लिक ड्यूटी समझते ना सरकार समझते। पर ये बाहर जाके बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो जाते हैं, सीखते हैं। आप कहाँ जाओगे जो यहाँ पे रह रहे हो? देखो हम यहीं पे, यही तो रह गए ना, फिर अकेले रह गए ना। नहीं नहीं अकेले की बात नहीं है, अगर आप सीख जाते हो अकेले रहना और अच्छा आपके पास पैसा है, फैसिलिटीज हैं, तो आप बुढ़ापे में बहुत अच्छी लाइफ लीड कर सकते हो। मैं आपकी ना एक बात से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, चाहे कुछ मर्जी हो जाए बुढ़ापे में, आप अपने आप को इकोनॉमिकली सिक्योर कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन हेल्थ वाइज कभी ना कभी आपको बच्चों की ज़रूरत तो पड़ती है। बच्चों के बिना, हमने बच्चों को किस लिए जन्म दिया कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने? अगर वो कल को सहारा ही नहीं है तो हम लोग कभी ऑर्फनेज में जाते हैं, वो प्रोसी नहीं करेगा, कोई फ्रेंड नहीं करेगा, वो बाय द टाइम आपका बेटा या बेटी, चाहे वो दुनिया के डर से, चाहे वो अपने डर से, वो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें बेटा बेटे और बेटी तभी करेंगे अगर आप उनको बचपन में वैसे संस्कार देंगे। अगर उनके पास संस्कार ही नहीं है तो वो घर में रह के भी आपको नहीं दे पाए। आज संस्कारों की कमी है, संस्कार नहीं ना, संस्कार नहीं है, वो देश प्यार होता है बच्चों से, अपने माँ बाप का दादा दादी, वो तो 10% लोग बचपन से 90% लोग स्कूल में गो आफ्टर मनी, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर। ठीक है, धन्यवाद आपका, आप लोगों ने बातें की, ऐसे हम कहते हैं हमारे से बातें करो, बच्चों को पता चले, समाज को पता चले। धन्यवाद।